तो चलिए शुरू करते हैं। इसका खतरा होता है तो कहीं किसी टाइम भी चला जाता है। और ये जेब साहब मुझे इतना तंग कर रहा है ना पूछे, बहुत तंग करने लग गया है। हमें पाठा बनाने लगे, पाठा जल जाएगा। आज हम कर रहे हैं नाश्ता और ये देखें हमारा नाश्ता हो रहा है। ये जेब साहब पंगे ले रहा है भाई, नाश्ता कर ले डबल डबल ये। आज जेब साहब ने डबल डबल शर्ट पहन के बैठा है। ये देखे गाइस पागल हो रहा है जेब साहब, इसका बहुत सर्दी लग रही है। ऊपर तो दिखाओ, मुंह तो दिखाओ। लड़की उसने पिंक पहना। ओ माँ, चाची ऐसे तो नहीं बोलो। इसने बोला था बात। कोई नहीं, दिखा रही है। कोई बात नहीं, करो नाश्ता करो। क्या आप करने लगे गाइस हम नाश्ता। गाइस अभी मेरे हस्बैंड ने इतनी प्यारी सब्जी खरीदी है, ये देखे मैंने उसको सही करके रख रही थी। ये देखे इतने टमाटर है, ये धोने वाले टमाटर हैं, उनको निकाल दिए। प्यारी प्यारी सब्जी है, साफ सुथरी। हमने रख दिया और ये देखिए मैंने धनिया को भी वॉश कर दिया, धनिया कितना प्यारा है। और साथ साथ भिंडी को भी वॉश करके रख दी ताकि ये खुश्क हो जाएगी। फिर हम इसको धो के रखें, मतलब खुश्क हो के फिर इसको रखेंगे फ्रिज में, जब बनाएंगे फिर साफ सुथरी उठा के बना लिया करेंगे। कितनी प्यारी सब्जी है। अभी हम इनको रखेंगे हवा में ताकि ये खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाएगी ना फिर इनको फ्रिज में रख देंगी, फिर जब सब्जी बनानी होगी भिंडी की तो ये रेडी होगी, फिर हम फटाफट इन्हें काट के बना लेंगे सब्जी। और ये अब सब्जी होगी रेडी। और ये ख़राब आलू निकले हैं, ये देखें ये देखें। ये सब्ज़ी वाले भी आजकल बहुत धोखा देने लगे हैं। हाँ मेरे हस्बैंड बेचारे ने देखा नहीं, इतने सारे आलू ख़राब निकले। और जो सही थे वो मैंने रख दिए। और ये देख कितने सारे, कम से कम आधा किलो के करीब आलू ख़राब निकले। अब मैंने उनको बोला है कि ये ख़राब है तो वो कहते हैं इनको रख दो, तो वो आएंगे तो मैंने वापस करूँगा। मैंने कहा जब तक तो इनकी हालत बदबू मार देगा और हालत ख़राब हो जाएगी। तो अभी चलो खैर है, आज के लिए तो खैर हो गई, आइंदा वो ख्याल रखेंगे। फिर उनको भी सुनाएंगे कि सब्ज़ी वाले अपनी सब्ज़ी तो कम से कम सही दे के जाए, बंदा देखे नहीं तो सब्ज़ी का ये हाल मिलता है। और मर्द तो ऐसे उठा के ले आते हैं, मुझे कितनी ख़राब हो रही इसकी। चलो फाइनली सब्ज़ी हमने समेट ली है और अब हम इनको रखने लगे फ्रिज में। ये देखते हैं फ्रिज में रखने लगे हैं। गाइस घर का काम हो गया थोड़ा फिनिश। और ये पड़ाकू साहब जेब साहब ट्यूशन जाना नहीं है और अपने बस एक पेज लेके उसमें लगे पड़े, पता नहीं क्या करने में लगे हुए। जेब साहब क्या कर रहे हो? बस खुद टीचर बने हुए आज, और उन्होंने अभी ट्यूशन की छुट्टी मारनी है क्योंकि मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मा मुझे ये हो रहा है, मम्मा मुझे वो हो रहा है। बस बहाना चाहिए ट्यूशन का। और वैसे भी आज होमवर्क मिला और कुछ या ज़्यादा ये काम वगैरह नहीं मिला तो चलो मैंने कहा चलो मम्मा क्या पता मेरे बेटे के पेट में दर्द हो। देखो मम्मा को देखो इधर से पेट में दर्द हो रहा क्या? चलो अच्छा कोई बात नहीं, छुट्टी मार लो, फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको तैयार करूँगी, सही है? हाँ अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बस मेरा किचन का थोड़ा सा काम रहता है, बर्तन पड़े ये मैं धोऊंगी। और ये देखें मेरे हस्बैंड साहब बेचारे सुबह जल्दी उठ गए थे और उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी सी साफ़ सुथरी सब्ज़ी ली। ये देखे जाके मैं धो के फ्रेश सब्ज़ी ली है मैंने, और ये देखे मैंने धो के रखी है ताकि पानी खुश्क हो जाए। और आज मैंने सारी सब्ज़ी मैं सोई हुई थी, उन्होंने मेरे लिए सब्ज़ी लेके रख दी। खूबसूरत सब्ज़ी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी प्यारी हरी हरी सब्ज़ी है।
काम मिलकर फिर आपसे कर दे। मैं गाइस जैद साहब के कारनामे, जैद साहब ने इस अलमारी का लॉक तोड़ दिया और जैद साहब इस अलमारी के पीछे पड़े हुए थे। और फाइनली मेरे को कुछ और मिला नहीं, मैंने घर का करना था काम और तंग आके मैंने शॉपर से इस अलमारी को बांध दिया ताकि ये अलमारी से और कोई चीज़ें ना निकाल निकाल के फेंके। या देखो ये सुबह शर्ट निकाल के इसे फेंकी थी, साफ़ सुथरी शर्ट धोने में डाल दी है। हम मम्मा रोज़ रोज़ इसके लिए धोबी गाड़ बने, ये हाल है इसका। और अभी जैद साहब को पीना है फीडर, ये देखें। और अभी हम इसके निकालने गए अलमारी से दूध और ये खुलेगा नहीं, तो फिर हमने चॉपर खुलने का नाम नहीं रहता और फाइनली हमने चॉपर को फाड़ दिया। अब अलमारी खोलेंगे, जो जैसा हमने अपनी अलमारी की हालत की हुई है, देखिए ना गन बचा है, एक कपड़ा निकालता दूसरा पहनता है, एक कपड़ा निकालता दूसरा पहनता, ये जैसा के हाल है। अभी हम इसको बाद में करेंगे सही। हाँ, पहले इसका बना लें हम फीटर, जो कि जैसा पीता है। फिर ये शॉर्ट, ये रात को पीते हैं लेकिन आज इनको पता नहीं क्या जुनून बन रहा है कि मुझे मम्मा अभी भी फीडर पीना है। सिर्फ जैद साहब अब रो रहे थे तो मैंने कहा चलो एक फीडर बना के दे ही देते हैं। जैद साहब का फीडर अगर रेडी, अब ये जो कि पियेंगे। हाँ, ये देखिए गाइस, जैद साहब के और कारनामे, ये हमारा चार्जिंग पंखा जो कि जैद साहब ने तोड़ दिया, ये लगता है ऊपर यूँ करके, ये यूँ जब लाइट जाती तो हम चलाते थे लेकिन जैद साहब ने इसका भी ये बुरा हाल कर दिया, ये टूट चुका है। और ये हमारे तीन हैं गुड्डे भालू वगैरह, ये जैद साहब के भालू हैं, ये मम्मा का है, ये जैद का है और ये जैद के पापा का। मतलब ये कि इसमें ये पापा हो गए, ये मम्मा हो गए, ये जैद हो गया है ना गाइस। कौन से आप हो? आप ये हो? वाह, अभी जैद साहब ने हमारी जोड़ी बना दी। और ये लो अपना फीडर और ये जैद साहब के कार्टून ही ख़त्म होते, ये लो पियो, चलो जल्दी पियो फिर मैं आपको तैयार करूँ। हाँ, ये हो गया मेरा किचन साफ क्लीनर। और अभी हम जाने लगे आराम करने के लिए, अब करेंगे हम थोड़ा आराम। कि गाय जैद साहब के पहले थोड़ी देर पहले पेट में दर्द हो रहा था और जैसे ट्यूशन का टाइम गुजरा और जैद साहब अब ठीक हो चुके हैं। अभी कपड़े वपड़े चेंज करके कहाँ जा रहे हैं जैद साहब? आप पापा कहाँ हैं? पापा बाहर बाहर है। और आप बाहर क्या करने जा रहे हो? हाँ, हाँ ये देखो, ये तैयार शहर होके कंघी वगैरह करके कपड़े शपड़े पहन के ये अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा है। अब ये खेलने के लिए बिल्कुल ठीक है, ये बच्चों के नाटक ना समझ नहीं आते। वैसे पढ़ा लॉक भी मैं खोल के दूँ, क्यों आप इतने बड़े तो खोल लो पहले। गाय मैं इसको लॉक खोल के दूँ। गाय साहब आए अम्मा के घर और अम्मो वाह जबरदस्त वाह। अरे जी सब कुछ आपने किया है? हाँ मैंने। ये किसके लिए इतना डेकोरेट हो रहा है? मेरे फ्रेंड के आज बर्थडे ना, तो इसलिए उसकी बर्थडे के लिए डेकोरेशन हो रही है। वाह बहुत जबरदस्त। देखिए गाइस मेरे देवर ने कितने प्यारे सरप्राइज, मैंने और फातिमा ने मिलके किया। वाह फातिमा जबरदस्त, आपने भी किया? नहीं किया क्यों? ये काम ये और सब काम बिगाड़ने आए थे। हो और जब आपने क्या किया? आप पंगे लेने आए हो हैं? आप लाले चाचू के ना और काम बढ़ाने आए हो बस। बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। हम आ गए अपने घर, बहुत तंग किया। देखिए गाइस जैद साहब के लाले चाची ने जैद साहब के लिए केक भेजा है क्योंकि वो उन्होंने अपने दोस्त के लिए सरप्राइज पार्टी की थी और साथ साथ गुब्बारे भी दिए। क्या नीचे फेंके गुब्बारे आपके फट जाएंगे। और वाह बहुत यम्मी यम्मी, जैद साहब तो बहुत मजे से केक खा रहे। खाओ खा के दिखाओ कैसा है मजे का। वाह यम्मी, में हाथ तो नहीं गंदे करो, बस रुक जाओ रुक जाओ, मैं आपको देती हूँ रुमाल देती हूँ साफ करो। आपका रुमाल इससे कर लो, जल्दी इससे कर लो। और आज का ब्लॉग तो हम यहाँ यहीं एंड करते हैं। और हमारे आज हमारा ब्लॉग आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, जे बाय बाय करो, अल्लाह हाफिज़, स्माइल भी दिखा दो थोड़ी सी।
इधर इधर ऊपर 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 मुँह करके दिखाओ, ऊपर मुँह करके बोलो हाय जद के अल्लाह हाफिज़।